दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी विवाद। दोस्त अगर देखा जाए लगातार बीएड बनाम बीटीसी का जो मुद्दा है वो अपने आप में ट्रेंडिंग चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है बीएड बनाम बीटीसी के मामले में बीएड की प्रबल इच्छाएं हैं कि प्राथमिक में हमारा जो हिस्सा है वो काबिज रहे, लेकिन बीटीसी की जो प्रबल इच्छाएँ हैं कि बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो जाएँ। इसी को लेकर मामला आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है। सुनवाई आपकी 12 अगस्त को लगी हुई है। सवाल 12 अगस्त के मामले में कई तरह के उठते हैं, जिसके पीछे आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बिग अपडेट्स, बीएड का दबदबा कायम। कुछ लोग आपके बीच में इस तरह की बातें डाल रहे हैं कि बीएड प्राथमिक से बाहर नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, तमाम चीजें बीएड के पक्ष में भी आ रही हैं और डीएलएड के पक्ष में भी आ रहे हैं। हमने 2-3 दिन से इस मामले पर वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड नहीं किया। आप सभी के लगातार कॉमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार आपका वीडियो नहीं आ रहा है। देखिए, जब हमारे पास फाइनली कोई अपडेट होती है तभी हम आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड करते हैं। साफ सीधी एक बात, नीचे देख पा रहे हैं बीएड नहीं होगा प्राथमिक से बाहर। क्या वाकई में जो बीएड है वो प्राथमिक से बाहर नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। फैसले के पीछे छिपा गहरा राज, आखिरकार इस बीएड बनाम बीटीसी फैसले के पीछे क्या राज छिपा हुआ है जो आज इतने दिनों से यह मामला हमारे बीच में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन डेट पे डेट आपके बीच में दे जा रही है लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। बीएड डीएलएड के लिए दुखद ये चीजें अगर देखा जाए तो आप सभी के द्वारा भेजी गई है कि भैया बीएड कुछ लोग बता रहे हैं बीटीसी डीएलएड के लिए जो है दुखद है कि बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर नहीं होगा। क्या वाकई में नहीं होगा जो है, और यहाँ 11 अगस्त को होगी सुनवाई। तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले इस अपडेट को आप देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है जो है देवेश शर्मा जी का ये ट्वीट है जो है सुप्रीम कोर्ट से बीएड बीएचटीसी के जजमेंट लाने का लास्ट ऑप्शन है जिसका उपयोग जल्द करने वाले हैं अखिल भारतीय बीएड संघ। और इधर आप देख पा रहे हैं आगे कहा जा रहा है 11 अगस्त की एडवांस लिस्ट अध्यापक शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम जो है राजस्थान का मामला हुआ लिस्टेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 11 अगस्त का जो केस है वो लिस्टेड हो चुका है, यानी जो सुनवाई के चांसेस हैं वो 100% लग रहे हैं। लेकिन आपको इस कदर विश्वास नहीं हो रहा है कि पिछले कई महीनों से आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ डेट पे डेट दी जा रही है लेकिन फाइनली डिसीजन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो 11 तारीख के मामले में भी आपको थोड़ा सा बिलीव कम हो रहा है कि सुनवाई हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले यहां जो आपके बीच में आ रहा है कि बीएड का दबदबा कायम, नहीं होगा बीएड बाहर। देखिए, अगर इस मामले को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ लोग इसी चीज को जो है वो समझ पा रहे हैं। जैसे आपने देखा जो है झारखंड जो है यहाँ बिहार में हम बात करें तो बिहार में जो है आपके बीच में भर्ती IPRT की, वहां पर बीएड को एलिजिबल किया गया है। झारखंड में हम बात करें तो वहां पर भी एलिजिबल किया गया है। तो ऐसे से तमाम राज्य हैं जहां पर बीएड में पीआरटी को पीआरटी में एलिजिबल किया जा रहा है। तो इसी चीज का हवाला लोग आपको दे रहे हैं, इसी चीज के चक्कर में तमाम तरह के लोग आपके बीच में कह रहे हैं कि जो बीएड का दबदबा है वो कायम है, वो बाहर नहीं होगा। लेकिन सवालों के घेरे में कई तरह के उठते हैं। मैंने आपसे कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है ये फैसला, हम किसी की बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आपको जिस पर ज्यादा बिलीव रख रहा हो आप उनसे पूछिए कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बीएड नहीं होगा बाहर। मैं तो कहता हूं, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ न मेरी बात को मानिए न किसी और की बात को मानिए। ठीक है, हाँ सुनिए सबकी, लेकिन आपको मानना किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। लोग आपके बीच में अपनी बातों में लुभाने के लिए तमाम तरह की बातें लाएंगे, लेकिन भैया हम किसी की बात पर एतबार नहीं करते, हमें फैसला आना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम देखेंगे, जैसा भी फैसला होगा हम सभी को स्वीकार करना होगा। लेकिन यहां चीजें जो आपके बीच में आ रही हैं कि फैसले के पीछे छिपा गहरा राज, ये चीजें 100% सत्य है। इस फैसले के पीछे 2024 के चुनाव का गहरा राज है। इसी वजह से आपके बीच में
जो है ये फैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि वोट बैंक का सवाल होता है। अगर बीएड को बाहर करते हैं तो वोट बैंक खिसक जाएगा, जो बीएड को अगर कायम करते हैं तो डीएलएड के वोट बैंक खिसक जाएंगे। इस वजह से मामला अभी भी ऐसा लग रहा है कि 11 अगस्त को आपका मामला तो लिस्टेड हो चुका है, लेकिन सुनवाई होने के जो है कम चांसेस हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि आपका जो मामला है वो 11 तारीख को फिनिश हो जाए। लोग आपको बता रहे थे कि 5000 पेज का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी लिखाई शुरू हुई है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है। अगर सूचनाएं मिलते हैं तो बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। यहां बीएड डीएलएड वाले खुश, बीटीसी डीएलएड वालों के लिए दुखद, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, चाहे आपने बीटीसी किया चाहे आप डीएलएड किया, आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें। अगर आप विश्वास करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास करें। कोई कह रहा नहीं होगा बाहर दबदबा कायम है, क्या है कैसे है, आप सभी चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए, जिसके पक्ष में होगा आपके पक्ष में होगा तब भी देखा जाएगा, बीएड के पक्ष में होगा तब भी देखा जाएगा। रहना जो है, अगर बात करें हम जॉब सभी को लेना है फिलहाल के लिए, अगर बीएड पीआरटी में काबिज होता है तो थोड़ा सा और भी आप सभी को परिश्रम करना होगा। ये मैं डीलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जैसा भी होगा आप सुप्रीम कोर्ट यानी 11 अगस्त के फैसले का इंतजार करिए। जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से विद लाइव प्रूफ के साथ आपके बीच में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।